क्वेश्चन नंबर 223। अच्छा, एक डिफरेंट क्वेश्चन है। ओके, क्या लिखा? सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन व्हेन अ ट्रायल बैलेंस फेल्ड टू एग्री द फॉलोइंग एरर्स फॉर लेटर डिस्कवर्ड। अच्छा, थ्री एरर्स दिए हुए। रिक्वायरमेंट क्या है? व्हेन द एरर्स फॉर करेक्ट द सस्पेंस अकाउंट बैलेंस वाज क्लियर। What was the original balance on suspense account? ठीक है, कह रहे कि तीन एरर्स हैं, इनकी करेक्शन करने के बाद सस्पेंस अकाउंट आपका क्लियर हो गया, क्लोज हो गया। ओरिजिनल बैलेंस बताएं क्या होगा। ठीक है, अच्छा, तभी हमने एक ट्रायल टी अकाउंट बनाया था ना सस्पेंस का। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को इस टी अकाउंट पे अप्लाई करें, टी अकाउंट बना हुआ है, जब इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को अगर इस टी अकाउंट पे अप्लाई करें तो आंसर क्या होगा? अकाउंट बना हुआ है, रिक्वायरमेंट है वो, व्हाट वाज द ओरिजिनल बैलेंस ऑन सस्पेंस अकाउंट, आंसर क्या होगा एसटी अकाउंट के मुताबिक? ओपनिंग बैलेंस, यानी कि 33,840 आंसर हो जाएगा ना। तब आपको ये ओपनिंग बैलेंस ओरिजिनल बैलेंस फाइंड करना है। अच्छा, तब ये बैलेंस गिवन ना हो तो कैसे फाइंड करेंगे? तो भाई हमने पहले करेक्शंस करेंगे, इसमें फिर कई साइड के टोटल ज्यादा है, क्रेडिट के टोटल में से डेबिट साइड माइनस करेंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर होगी वही हमारा ओरिजिनल बैलेंस होगा। राइट, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां से फॉर्मेट कॉपी कर लूंगा। इसके लिए हमें पहले करेक्शंस करना होंगी, करेक्शंस के बाद सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे और इसका बैलेंस फाइंड करेंगे। बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है ना। वन बाय वन करेक्शंस करते हैं पहले। एरर वन, अ गैस बिल ऑफ 2420 हैड बीन रिकॉर्डेड इन गैस अकाउंट एस 240। इसकी ओरिजिनल एंट्री क्या होगी? गैस बिल ऑफ 420, ओरिजिनल एंट्री गैस एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, डेबिट और बैंक या कैश क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, 230, 420 है ना, 420। तब रॉन्ग एंट्री क्या बनाई इसने? हैड बीन रिकॉर्डेड इन गैस अकाउंट एस 240, तो रॉन्ग एंट्री बनेगी गैस एक्सपेंस डेबिट 40 और कैश क्रेडिट 420, रॉन्ग एंट्री हो गई। राइट, तब इसमें एरर किया, गैस एक्सपेंस को डेबिट करना था 420 से, डेबिट हमने किया 240 से। ज्यादा अमाउंट से डेबिट करना था, कम अमाउंट से डेबिट किया, तो मजीद डेबिट करेंगे डिफरेंस लेके ना। डिफरेंस कितना आ रहे हैं? 180 से गैस एक्सपेंस डेबिट और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो। ठीक है, इसकी करेक्शन हो गई एरर वन, गैस एक्सपेंस डेबिट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। एरर टू, एरर टू है कॉन्ट्रा बिटवीन रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट एंड पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट। अच्छा, कॉन्ट्रा की एंट्री क्या होती है? ओरिजिनल एंट्री, अकाउंट पेबल डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, अमाउंट कितना है? 50, 50। अब रॉन्ग एंट्री, हैड बीन करेक्टली अकाउंटेड फॉर इन रिसीवेबल लेजर अकाउंट एंड देन एंड क्रेडिटेड टू पेबल लेजर कंट्रोलर। रिसीवेबल में सही रिकॉर्ड किया और पेबल को क्रेडिट कर दिया, यानी कि रिसीवेबल क्रेडिट होना था, क्रेडिट किया और पेबल को भी क्रेडिट कर दिया ना। डेबिट में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन क्या हो गया? अकाउंट पेबल डेबिट और सस्पेंस क्रेडिट हो जाएगा डबल से, यानी कि 100 से ना, 100 से अकाउंट पेबल डेबिट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। एरर थ्री, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑफ 70 हैड बीन एंटर्ड इन बैंक अकाउंट ओनली। इसकी ओरिजिनल एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट रिसीव बैंक डेबिट
और इंटरेस्ट रिसीव्ड या इनकम, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट हो जाएगा ना 70। लॉन्ग एंट्री रॉन्ग में क्या गया, इसने हैड बीन एंटर्ड इन बैंक अकाउंट ओनली, सिंगल एंट्री बना यानी कि बैंक डेबिट, क्रेडिट कुछ नहीं ना। करेक्शन क्या होगी, इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट हो जाएगा और सस्पेंस डेबिट हो जाएगा। अमाउंट लिखेंगे 70 से डेबिट और 70 से क्रेडिट, इसकी करेक्शन हो गई, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट। अब सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं और इसका ओरिजिनल बैलेंस फाइंड करते हैं। इस अकाउंट का फॉर्मेट नीचे लिख लेते हैं, ओरिजिनल बैलेंस तो फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं इधर, या डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है ना। आप एरर्स पोस्ट करेंगे, ओके एरर वन, क्योंकि आपका सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 180 से, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट 180। एरर बी टू में सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ 100 से, और एरर थ्री में सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है 70 से। पहले टोटल करते हैं 280, क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 280 माइनस करेंगे 70, बैलेंस आ जाएगा 210। और ये कहा है डेबिट साइड पर, हो जाएगा ओरिजिनल बैलेंस 210 डेबिट। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, डेबिट बैलेंस ऑफ 210। क्लियर, ऑप्शन आ जाएगा ए, क्लियर। कॉपी करना है बाद में कर लीजिएगा सर। अच्छा, इसके बाद एक हमने स्किप किया था 227, 227 ये भी थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें भी रिक्वायरमेंट सेम है, सेम रिक्वायरमेंट है। What was the suspense account balance that John's included in trial balance? तो वही हमें original balance से निकालना है ना, क्योंकि जो trial balance का difference आता है वही suspense account का opening balance, original balance होता है। तो इसमें भी हम पहले इसकी corrections करेंगे तीन errors की, उसके बाद suspense account बनाएंगे, answer आ जाएगा। ठीक है, opening inventory ट्रायल बैलेंस में डेबिट पे रिकॉर्ड होती है, डेबिट साइड पे आती है, इसने कहा रिकॉर्ड किया है क्रेडिट पर, करेक्शन क्या होगी, इन्वेंट्री तो हो जाएगी डेबिट, एंट्री डेबिट और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होगा, ये तो इसकी एंट्री बन जाएगी ना। अमाउंट क्या आएगा, अमाउंट बताएं। अच्छा, इसमें देखिए अब एक एरर नहीं है, दो एरर है इसमें, इसमें दो एरर्स हैं, एक तो साइड चेंज हो रही है और सेकेंड अमाउंट भी चेंज हो रहा है। ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा था कि साइड चेंज होती है तो डबल हो जाता है अमाउंट, और अगर अमाउंट चेंज होता है तो डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, साइड चेंज होगी तो अमाउंट डबल कर देते हैं, और अगर सिर्फ अमाउंट चेंज होता है तो डिफरेंस से हम करेक्शन करते हैं ना। तब यहां पर क्या हो रहा है, दो एरर्स आ रहे हैं, साइड भी चेंज हो रही है, अमाउंट भी चेंज हो रहा है, तो इसमें ना तो डबल करेंगे और ना ही डिफरेंस लेंगे, बल्कि इन दोनों का सम कर लेंगे, इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लें, टोटल करें दोनों का, क्या बन रहा है, दोनों का टोटल 3220,
ये करेक्शन इसकी होगी 3220 से डेबिट और ये क्रेडिट। अभी क्या हुआ समझ में नहीं आया, अभी आपको एक अकाउंट बनाकर समझाता हूँ। तो पहले एक पॉइंट याद रख लें, साइट चेंज होगी तो करेक्शन डबल अमाउंट से करेंगे, और अमाउंट चेंज होगा तो करेक्शन डिफरेंस से होगी, और दोनों चेंज होंगे तो करेक्शन टोटल से होगी, दोनों का टोटल। अब इसको कैश अकाउंट बनाकर समझते हैं। तो सपोज कर लें आपके पास कैश का बैलेंस है 1000 बैलेंस आपके पास, ठीक है, कैश बैलेंस कितना, कैश इन हैंड 1000। अब आपको कस्टमर से आपने 150 रिसीव किए, 150 रिसीव किए तो कैश डेबिट होगा। अच्छा कैश अकाउंट का बैलेंस कितना आएगा, 1150 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आपने क्या किया, इसको 150 को डेबिट करने के बजाय क्रेडिट किया और अमाउंट भी चेंज कर दिया 105, साइड चेंज अमाउंट भी चेंज हो गया। अब बैलेंस कितना आएगा, बैलेंस क्या आएगा ये कुछ वो बताए, करेक्शन नहीं करनी। अब बैलेंस कितना आएगा, बैलेंस क्या बचेगा, सर 895। 895 आएगा ना, तो बैलेंस आना चाहिए था 1150, अब बैलेंस आएगा 895। इन दोनों का डिफरेंस निकालें, 1150 और 895 का डिफरेंस क्या बन रहा है, 255। डिफरेंस आ रहा है 255 का, अब करेक्शन भी 255 से होगी, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम 150 का डबल करते हैं, 150 का डबल कितना होता है 300, 255 नहीं बन रहा। 105 का डबल करें 210, 255 नहीं बन रहा ना। अच्छा 150 और 105 को ऐड कर लें, 150 प्लस 105 255 बन रहा है, इक्वल आ गया। उसका मतलब साइड और अमाउंट दोनों अगर चेंज होंगे तो करेक्शन आप टोटल से करेंगे। देखिए अब इसको हमने पहले क्या होगा, एक और तरीके से समझाता हूँ। 105 से डेबिट करेंगे पहले, ये तो इसका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, और अब इसे हम 150 से डेबिट करेंगे जो हमें डेबिट करना, अब करेक्शन हो जाएगी। तो हमने पहले 105 से क्रेडिट किया तो 105 से डेबिट करके उसको कैंसिल करेंगे, और फिर 150 से डेबिट करना था डेबिट कर दिया तो आपकी करेक्शन सही हो जाएगी। तो अब हमने डेबिट कितने से किया, टोटल 255 बन गया ना दोनों का टोटल। अब देखिए बैलेंस करते हैं तो ये कितना बनेगा, 1255, 1255 माइनस करें इसमें से 105, 1150, तो वही बैलेंस आ गया जो आना चाहिए 1150, ठीक है, क्लियर। अब याद रख लें कि साइड और अमाउंट दोनों चेंज होंगे तो करेक्शन टोटल से हो, एक नया पॉइंट आ गया था ये। पहले हमने कहा था साइड चेंज होगी डबल करेंगे, अमाउंट चेंज होगा तो डिफरेंस लेंगे, और दोनों चेंज हो रहे हैं तो टोटल करेंगे, अब भी याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इन दोनों का टोटल कर लिया, टोटल से एंट्री बन गई आपकी इन्वेंट्री डेबिट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। एरर टू की करेक्शन बताएं क्या होगी, एरर टू सेल्स की बात कर रहे हैं, क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट और सेल्स टैक्स क्रेडिट। अमाउंट लिखते हैं, अच्छा ये इसने दिया 5390 इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, क्रॉस अमाउंट है 5390, 5390। इसके बाद इसने लिखा कि द अमाउंट एंटर्ड इन सेल्स रेवेन्यू अकाउंट वाज 4600, तो सेल्स क्रेडिट हो गई 4600 से, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें, सेल्स टैक्स आ जाएगा 790, सेल्स टैक्स आ गया। ये तो बन गई इसकी ओरिजिनल एंट्री, अब इसने रॉन्ग एंट्री क्या बनाई, लेकिन जो हैड बीन करेक्टली एंटर्ड इन अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट, अच्छा करेक्टली एंटर्ड इन कंट्रोल अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट बट नो एंट्री हैड बीन मेड इन द सेल्स टैक्स अकाउंट। रिसीवेबल को इसने डेबिट किया, सेल्स को क्रेडिट किया, और सेल्स टैक्स अकाउंट को क्रेडिट करना
ठीक है। एक्शन क्या होगी, अब सेल्स टैक्स को क्रेडिट करना भूल गए तो क्रेडिट कर देते हैं, और डेबिट में क्या जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। ये करेक्शन हो गई इसकी, सस्पेंस डेबिट सेल्स टैक्स क्रेडिट होता है। क्लियर, आसान था। एरर थ्री, एरर थ्री है ओपनिंग एक्रूवल्स फॉर टेलीफोन चार्जेस। अभी मैंने बताया कि एक्रूवल मींस अनपेड एक्सपेंस had been brought forward on the wrong side of telephone expense account. So accrual means kya hai, unpaid expense liability. Iska opening balance aayega credit side par, jisne credit side pe likhne ke bajaye debit kar diya. So correction kya hogi, double se credit karenge, theek hai, so accruals aapke double se credit ho jayenge. Telephone पर लिख भी देता हूं, accruals credit और debit क्या हो जाएगा आपका, suspense account 190 से debit और 190 से credit. ये collection हो गई इसकी, accruals को credit करना था, debit किया तो हमने double amount से credit कर दिया। अच्छा अब suspense account बनेगा। हाँ एक मिनट, क्या था, हाँ डबल कितना होगा, 190 का डबल 380 हो जाएगा ना, डबल से करेक्शन हो जाएगी। तब एक टी अकाउंट बना लेते हैं, सस्पेंस का टी अकाउंट, और इसका बैलेंस फाइंड करते हैं। बैलेंस किसी भी साइड पे आ सकता है ना। अभी करेक्शंस पोस्ट करेंगे, पहले में क्या है, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहे, क्रेडिट हो गया। सेकेंड में सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेबिट, और थर्ड में सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, अब इसमें से डेबिट साइड माइनस करें, क्रेडिट में से डेबिट साइड माइनस करें तो बैलेंस आ जाएगा 2050, और बैलेंस आ रहा है डेबिट साइड पर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2050 debit balance, option A. Clear?